तमाम अगर आलिम बुरे हो गए तो फिर क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो रसा नहीं रहे, फिर दीन क्या बिल्कुल महफूज नहीं है? क्योंकि देखिए, इफ यू आर साइलेंट इन स्पीकिंग द ट्रूथ, तो फिर आप अपनी बैटल से पसंद की बैटल्स ले रहे हैं, चेरी पिक कर रहे हैं, क्योंकि आप जो है वैलिडेशन चाहते हैं। आपको ऐसी बातें क्यों करने की जरूरत है जिसके बारे में कोई अल्लाह ने दलील नहीं उतारी या लोगों को मजीद कंफ्यूज करने के बारे में? अकल से नहीं डिफाइन होता ये, तो आप अकल को ताबे रखोगे अल्लाह और उसके रसूल की बात के ऊपर? हाँ, अकल को इस्तेमाल करते हुए वजाहत से समझोगे। हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेटली बगैर सोचे समझे बात करने वाले को कभी कभार हक बात करने के साथ मंसूब कर दिया जाता है, अटैच कर दिया जाता है। Somebody who speaks without thought is usually confused with somebody who speaks the truth. मुझे लाहौर पे अब्दुल वारिस गिल भाई ने बुलाया था अपने पॉडकास्ट के लिए, तो उन्होंने उसमें एक सवाल पूछा मुझसे, रदर साहिल ने ये बात की है कि गधा हलाल है, तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? मैंने जो जवाब दिया, क्योंकि मैं टू बी ऑनेस्ट रदर साहिल को ऐसा सुनता नहीं हूँ और ना मेरी ऐसी कुछ मुलाकात हुई है, लेकिन उनकी कुछ चीज़ें जो हमारे डायरेक्ट सोर्सेज से हुई हैं, तो उन्होंने कुछ इल्मी एतराज़ात हैं और वो प्रॉब्लमेटिक इतनी हो गई। और मैं ये बात वजाहत करता हुआ भी चलूँ, क्योंकि जो लोग हमें सुन रहे होंगे, कि उनका वाईसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। Absolutely. और वाईसी ने उनको शायद एक आधा बुलाया, मोहम्मद अली ने अपने पॉडकास्ट में बुलाया, और माशाल्लाह से ब्रदर साहिल की सलाहियत बहुत अच्छी है, उनकी उनके काम बहुत अच्छा है। अभी रिसेंटली अनफॉर्चुनेटली वो अपने ट्रैक से हट गए और रिएक्टिव हो गए, और उस रिएक्टिव होने की वजह से उन्होंने कुछ ऐसी डोमेन्स में अपना कदम रख दिया है जो उनकी फील्ड नहीं है, और ये बात हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए। देखिए, मैं हमेशा बात करता हूँ कि देखिए, हमें नहीं इस बात की परवाह कि लोग माइंड करते हैं या नहीं करते, क्योंकि हमें बात सही करनी है। किसी को नहीं समझ में आनी होगी, नहीं समझेगा। कि जैसे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास जब एक शख्स आया, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए, इसरा वल मेराज का मामला था, तो उसने बोला कि आपके दोस्त जो हैं वो ये बात कहते हैं। तो अबू बकर सिद्दीक का मनहज मेथडोलॉजी क्या थी, क्या उन्होंने ये बात कही है? अगर कही है तो मैं यकीन करता। तो मैंने ये बात वाज़े तौर पे कही, और जो पॉडकास्ट चाहे सुन सकता है, कि मैंने ये बात नहीं सुनी क्योंकि मैं नहीं सुनता, लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है तो ये बात गलत है। फासिकुम बिनबइन फतबयनु, सूरह हुजरात की आयत है कि अगर तुम्हारे पास कोई झूठा खबर लेकर आए तो तुम उसकी तस्दीक कर लो। मेरे सामने कोई झूठा नहीं बैठा था। इसका जिद फिक्र में क्या निकलता है कि अगर कोई मोमिन आए तो उसकी बात को मान लो। और जो लोग कह रहे हैं कि आपने क्या उनको अप्रोच किया, क्या आपने बात की, वाईसी के ब्रदर्स ने महीनों तक उन तो बात की है कि देखिए आपकी कुछ ऐसी गलतियां हैं। ब्रदर साहिल मिलते नहीं है, आपको ऐसी बातें क्यों करने की जरूरत है जिसके बारे में कोई अल्लाह ने दलील नहीं उतारी या लोगों को मजीद कंफ्यूज करने के बारे में? तो मैंने उनकी बात सुनी, तो मैंने बोला देखिए मैंने खुद नहीं सुना, लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है तो मैं ये बात को इसलिए डिनाई करता हूँ क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से वाज़े है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के मौके पर गधे को, जो गधे का गोश्त है, जो डोमेस्टिक डोंकी है, ज़ीब्रास नहीं, डोमेस्टिक डोंकीज़ हैं, उनको हराम किया और घोड़ों के गोश्त को हलाल किया। कुछ उलमा के नज़दीक ये घोड़े का जो गोश्त है ये मुबाह है। अच्छा, अब उन्होंने सुनन अबू दाऊद की जो है हदीस कोट की, जो कि ज़ईफ हदीस है, जिसे हुक्म नहीं लिया जा सकता। ठीक है, शेख अल्बानी ने इसको, जो मुहद्दिस हैं, इन्होंने इसको ज़ईफ़ कहा कि हमने हम फाके से गुजर रहे थे, मुश्किल से गुजर रहे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इजाज़त दी। इससे पता चलता है कि वो हुक्म वक्ती था। अब आप लोगों को कन्फ्यूज़ कर रहे हैं ना उसमें। फिर आपने क्या किया कि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को कॉल नकल किया कि इब्ने अब्बास के नज़दीक हलाल था। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का जो कॉल था, उन्होंने बोला मुझ तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं पहुंची। और सहाबा के पास कभी ऐसा होता था कि कोई हदीस नहीं पहुंचती थी तो उनका ओपिनियन मौजूद होता है, जैसे अब्दुल्लाह इब्ने मसूद का मौज़ज़ैन के बारे में। ठीक है, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, मिसाल दे रहा हूँ कि अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रुकू डिफरेंट तरीके से करते थे, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने बताया कि हमने ऐसे देखा, उन्होंने मैंने अल्लाह के रसूल को ऐसा देखा। तो सहाबा का एक अकवाल मौजूद होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को मजीद कन्फ्यूज कर दो। शेख बिन बाज रहमतुल्लाह ने फरमाया है, इजमा का वर्ड यूज़ किया है, जमहूर जो सलफ हैं और आइमा हैं उन्होंने हराम ही कहा है। कुछ की ओपिनियन है, क्योंकि उनके नज़दीक कभी कभार फिकी ओपिनियन की डिफरेंस ही होती है कि उनकी सामने जो होती है वो हदीस नहीं पहुंचती, कभी कभार उन तक नहीं पहुंचती, उनके व्यूज में होता है। अब आप ये बात एग्जाम्पल के तौर पे देते हुए, अकल की बात करते हुए, रैशनैलिटी की बात करते हुए, आप बोल रहे हैं कि मौलवियों ने आपसे ये बात नहीं छुपा दी। कि आप एकेडमिक सर्कल में आई, आप इल्म हासिल कीजिए, आपको ये सारी काउंटर आर्ग्यूमेंट्स फिक में मिलेंगी, बिकॉज यू हैव टू गो थ्रू अ प्रोसेस। बट इफ यू आर गिविंग देम 10% यूजलेस इन्फॉर्मेशन जिनका अमल से कोई ताल्लुक ना हो। देखिए, गधे को हराम क्यों कहा गया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसमें रीजन दिया, नजिस है।
और इसकी उलमा ने मजीद वजाहत बयान की, क्योंकि गधा शैतान को देख के ब्रेल करता है। बिल्कुल। तो क्यों करता है? क्योंकि शैतान का असर पड़ता है उसके ऊपर। तो जो गधे का गोश्त खाएगा उसके ब्लड फ्लो में शैतान का ज्यादा कंट्रोल होगा। और सबसे बड़ी बात, अल्लाह के रसूल कभी कभार खुद इल्लत बयान कर देते हैं, सबब बयान कर देते हैं कि क्यों हराम किया गया, कभी नहीं बताते फुकहा, खुद इल्लत निकालते हैं। क्या चीज़ है? कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नजिस कहा है, कि इम्प्योर है। अब इन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया अपने वीडियो में, कि तमाम कार्निवोरस हराम है और तमाम हर्बीवोरस हलाल है। ये दलील है। देखिए, हलाल हराम अकल की बिना पे नहीं होता, हलाल हराम तौकीफी की मीनिंग अल्लाह ताला की तरफ से आएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चाहत के मुताबिक अजवाज मुतहर्रा को जब राजी करने के लिए कहा था कि मेरे लिए हराम है, अल्लाह ने कुरान की आयत कर दी कि अपनी तरफ से क्यों आप अपने ऊपर हराम कर रहे हैं जिसको अल्लाह ने हलाल किया है। अकल से नहीं डिफाइन होता ये। तो आप अकल को ताबे रखोगे अल्लाह और उसके रसूल की बात के ऊपर, हाँ अकल को इस्तेमाल करते हुए वजाहत से समझोगे। इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह ने बोला, देखिए अकल एक मोमिन जो होता है ना, वो अल्लाह को पहचानने में, अल्लाह की किताब को पहचानने में पहले इस्तेमाल करता है कि क्या ये मेरे अल्लाह की किताब है, क्या ये हुक्म अल्लाह की तरफ से है, क्या ये हुक्म अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है। जब अकल से पता चल जाए कि ये चीज़ अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की किताब है, उसके बाद नकल होगी, उसके बाद फॉलोइंग होगी। अब दो रकात फजर की फ़र्ज़ है, अकल से मैंने ये मालूम कर लिया कि मेरे रब ने मुझे कहा है और ये मैंने मान लिया, उसके बाद मैं अकल को इस्तेमाल करते हुए ये सवाल नहीं करूंगा कि दो रकात क्यों की, चार रकात क्यों नहीं की। आर यू क्वेश्चनिंग अबाउट इस्लाम और आर यू क्वेश्चनिंग इस्लाम। अब अकल को बात करते हुए उन्होंने बात बोली कि मौलवियों ने ये बात आपको सामने नहीं बताई। मैं आपको ये बात बताऊं, देखिए मिसाल गलत है। कि देखिए, जब आप लोगों को समझा रहे हो ना, तो आप मिसाल सही तरीके की दीजिए, क्योंकि आप जब गलत मिसाल देंगे ना, तो गलत मिसाल फिर बाद में टाइटल बना के रखेंगे, तो उसकी वजह से रिएक्शन और लोगों की तरफ से रिप्लाई आएगा। हुआ ये कि उन्होंने इस चीज़ को यूज़ किया, लोगों ने आके बातें की, लोगों ने मैसेज भी किया, हमने इग्नोर किया, बिकॉज इट रियली डजंट मेक अ डिफरेंस। जो साहिल अदीम कभी कभार बात करते हैं ना, तो वो बहुत टूटी फूटी बात करते हैं। देखिए, मैसेज को कन्फ्यूज ना करें। अब लोग आके बोल रहे हैं कि जना देखिए वो तो खुद से पढ़ने की बात करते हैं कुरान और हदीस। देखिए बात, कुरान और हदीस पढ़िए, लेकिन पहले फाउंडेशन तो हासिल कीजिए, वरना आपको सही और गलत को पता कि इमाम सौरी क्या कहते हैं। अगर तुम्हारे पास इल्म नहीं होगा तो तुम्हें कोई मट्टी लाएगा और तुम उसको सोना समझ के कबूल कर लोगे। हमारी बातें हैं वो ऑफ कोर्स हम उलमा से सीखी हैं और उलमा से की है और मुस्तद उलमा से सीखी हैं। बाय उलमा डज नॉट मीन कि हम हर बैड एप्पल्स और गुड एप्पल्स को मिक्स कर रहे हैं। उलमा वरसत अल-अंबिया, तमाम अगर आलिम बुरे हो गए तो फिर क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वरसा नहीं रहे? फिर दीन क्या बिल्कुल महफूज नहीं है? किससे हासिल करोगे? सीना बे सीना आया ना दिन। तो उलमा की इज्जत कीजिए। यस, हैं जो लोग मसले हैं, पर आपके दुनियावी मामले में भी अगर आप वाकई सिंसियर इंटेंशन रखते हैं, आप सीखने वालों के साथ सीखने के लिए जाएंगे, आपको मिल जाएंगे और आपको वहाँ पे एकेडमिक डिस्कशन। तो देखिए, ये बात इसलिए वजाहत करनी पड़ी कि देखिए आपने हमारी तरफ वो बातें एट्रीब्यूट कर दी और अननेसेसरली आपने एक ऐसा इशू क्रिएट कर दिया कि लोग अब इट्स लाइक वाइसी वर्सेस हिम, वी नॉट इन कॉम्पिटिशन एनीवन। फस्तबिकुल खैरात, हम खैर के काम के लिए कॉम्पिटिशन में हैं और वो कर रहे हैं। किसी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने का हमारा टाइम नहीं है और वाइसी का स्टाइल नहीं है।